गाइज़ वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। तो यार ये वीडियो जो दयालबाग के स्टूडेंट हैं उनके लिए और सबके लिए, ये बात वैसे सबको पता होनी चाहिए, मुझे पता नहीं थी। तो मैं अभी ऐसे रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली, तो मुझे लगा आपको आप तक ये बातें शेयर की जाएँ। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता दूँ कि अभी 2024 में दयालबाग यूनिवर्सिटी की जो रैंक है वो 101 है, यानी कि इंडिया के टॉप 100 कॉलेज में दयालबाग यूनिवर्सिटी का नाम टॉप में आता है, जो इसकी 101 रैंक है। और 2018 में भी यही रैंक थी, 101 ही थी, और अब 2024 में भी 101 रैंक है। तो यार आप इसको, दयालबाग यूनिवर्सिटी ने अभी तक इसको मेंटेन करके रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे हम आ गए हैं यार, हमने एक वेबसाइट ओपन करके रखी है जो दयालबाग की ही वेबसाइट है। तो वहाँ पर हमने देखा ये जो फीस स्ट्रक्चर है, ये तो आपको पता ही होगा, यदि आप चाहते हो तो आप देख लेना एक बार कि हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि ये लिंक है वो आपको कहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात कर लेते हैं थोड़ी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या दयालबाग में हम इन्वायरमेंट को लेकर या ट्रेडिशनल कल्चर को लेकर, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव फीचर्स एंड इनोवेटिव आइडिया को लेकर हम काम कर रहे हैं और उस पर बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में ही आपको ऐसे बताने की कोशिश करूंगा। आप भाई लिंक में जाके ओपन करके पढ़ लेना। यहाँ पे एंटी रैगिंग मेजर के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंटी रैगिंग क्या बोलते हैं कि हमने एक, वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो कैंपस है वो एंटी रैगिंग है, यानी कि यहाँ पर जो रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है और यहाँ पर जो चीफ प्रोक्टर होते हैं वो सब चीज़ मेंटेन करके रखते हैं। और नाइट शिफ्ट में क्या होता है, जो जूनियर्स हॉस्टल होते हैं उन पर चेक किया जाता है कहीं जो सीनियर लोग हैं रैगिंग तो वगैरह नहीं कर रहे हैं। और रैगिंग यार बहुत बड़ी समस्या है इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपको पता नहीं है, आप दयालबाग में पढ़ रहे हो तो आपको इन रैगिंग के बारे में कुछ और भी पता नहीं चलेगा, पर वहीं जो बड़े बड़े DU जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज हो गए, MU जैसे यूनिवर्सिटी हो गए, वहाँ पर रैगिंग आप बहुत खतरनाक लेवल की होती है। आप लोगों ऐसी रैगिंग होती है कि लोग सुसाइड तक भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है रैगिंग नहीं होती है, मैं भी इतने साल पढ़ा हूँ रैगिंग कभी नहीं हुई। हाँ लड़कियाँ कभी मस्ती कर देती हैं जो सीनियर होती है, मेरे साथ कर दिया था एक बार। अब उसके बाद यार हम दूसरी चीज़ जो पढ़ते हैं यहाँ पे DI एकेडमिक कैलेंडर, तो यहाँ पर जो कैलेंडर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जो कि ओपन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी का आप ऊपर से पढ़ लेना, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूँ। जो ऑड सेमेस्टर होता है, ऑड का मतलब हो गया जैसे कि 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, ये सेमेस्टर होते हैं जो स्टार्ट हो गए जुलाई से, यानी कि जुलाई से स्टार्ट होंगे और दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, ये होता है। और बीच में आपको मिड सेमेस्टर दिया जाएगा, नवंबर के आसपास आपको 6 दिन की छुट्टियाँ दी जाएगी। उसके बाद यानी सी नहीं होगा, पहले CT 1 होगा, CT 1 होने के बाद आपका सेमेस्टर ब्रेक हो जाएगा, 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी, यानी सर्दियों में जो नवरात्रि पड़ती है, फिर छुट्टियाँ होने के बाद फिर आप कॉलेज जाओगे, फिर उसके बाद आपका CT 2 होगा यानी कि दिसंबर में, तो आपका एक सेमेस्टर ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके बाद दिसंबर के 10 दिन की छुट्टियां होंगी, उसके बाद फिर आपका सेमेस्टर फिर स्टार्ट होगा और मई में आपका जो सेमेस्टर है फिर से नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो इवन सेमेस्टर, यानी कि इवन सेमेस्टर जो स्टार्ट होगा वो 26 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 21 मई को क्लोज हो जाएगा, उसके बाद समर ट्रेनिंग चलेगी। तो ये देख रहे हो समर ट्रेनिंग का प्लान क्या हो, मई टू जुलाई, यानी मई से जुलाई तक जो ट्रेनिंग चलती है वोकेशनल ऑटो की, ऑटोमोबाइल की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, यानी बाहर कंपनी में जो जाके विजिट करते हैं उनकी ट्रेनिंग चलती हैं। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये क्या कोर्स भी ऑर्गेनाइज द सेमेस्टर ईच ऑफ द, यानी कि 16 वीक में कोई भी जो होता है सेमेस्टर जो क्लोज होता है वो 16 वीक में क्लोज करने की बात कर रहे हैं। बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ लेना, मैं जाता नहीं हूँ कि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे है DI यूनिफॉर्म, तो भाई DI यूनिफॉर्म के बारे में आप लोग परेशान की, ये यूनिफॉर्म क्या है, तो यहाँ गर्ल्स के लिए क्या है, वाइट कुर्ता, वाइट सलवार, वाइट दुपट्टा और वाइट साड़ी, कोई भी कुछ भी कैरी कर सकता है। बहुत सी लड़की जो BEd वाली होती हैं, DL Ed वाली होती हैं, PhD वाली होती है, वो सारी कैरी करती हैं। अब बॉयज़ के लिए क्या है, वाइट शर्ट एंड ग्रे ट्राउजर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ओवर एंड अबव द समर ड्रेस, ये सबर के बारे में बता रहे हैं तो हमको इसको ज़्यादा लेना देना नहीं है, पर फिर भी पढ़ लो, ग्रे कार्डिगन क्या है साला, और फिर ग्रे जैकेट, फिर उसके बाद है नेवी ब्लू बर्जर, ये बॉयज़ के लिए, तो आप अपने हिसाब से देख लो ना, ये तो ड्रेस के बारे में बात हो गई। इसके बाद फिर हम थोड़ा बैक होते हैं और यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में बोला गया है। स्कॉलरशिप यार मैं आपको बता दूँ, दयालबाग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जितनी आप फीस सबमिट करते हो उतनी फ़ीस वो आपको रिफंड करके दे देती है, बस शर्त ये है कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर होना चाहिए, और यदि आपके डॉक्यूमेंट ओके नहीं है तो भाई आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, नहीं वरना सब कुछ ओके तो आपकी स्कॉलरशिप जितनी आपने फ़ीस सबमिट की है उतनी वो आपको रिटर्न करके दे देती है, यानी कि आपकी फ्री में पढ़ाई होती है दयालबाग यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आते हैं, ये क्या है,
प्रोटोसरियल सिस्टम एंड डिसिप्लिन। तो यार ये तो आपको सीन पता ही है, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा बताने की बात नहीं है आपको भाई। अब जाओगे तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगे, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए गर्ल्स के, ठीक है, बॉयज़ के बाल नहीं बड़े होने चाहिए, शेविंग होनी चाहिए, पैर में लेदर शूज़ होना चाहिए, बेल्ट लेदर की होनी चाहिए, शर्ट इन होनी चाहिए, ठीक है, और जो हमारे आस्तीन है उनको फोल्ड नहीं होना चाहिए। ये ऐसे हमको वहाँ कॉलेज में जाना, अगर इस तरह आपको नहीं आते हो तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा सेंटर से ही। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में तो मेंटेन करनी पड़ती हैं, सेकेंड ईयर में मेंटेन करनी पड़ती हैं, अगर टीचर स्ट्रिक हो गए तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे इको फ्रेंडली कैंपस के बारे में बात करें तो वो बोलें कि जो हमारा कैंपस है बिल्कुल द इंस्टीट्यूट 100% सोलर पावर कैंपस, यानी कि जो वहाँ पे आप जाओगे तो जो भी लाइट सप्लाई वगैरह हो रही है वो 100% जो सोलर सिस्टम से ही हो रही है, खाना वगैरह भी जो बन रहा है 100% सोलर सिस्टम से ही बन रहा है। और बैन ऑन मोटोराइज व्हीकल मोमेंटम विद इन द कैंपस, वो बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम हम अंदर यूज़ करते हैं कि पेट्रोल वाले व्हीकल। फिर बैन अस द तम्बाकू एनी फॉर्म, यानी कि जो ये क्या तम्बाकू, यानी कि तम्बाकू भी बैन है वहाँ पे। उसके बाद बैन अस द प्लास्टिक कैरी, हाँ भाई प्लास्टिक की कोई चीज़ आपको पॉलिथीन नहीं मिलेगी दयालबाग के अंदर, आप देख लेना परेशान हो जाओगे। तो आप जब भी जाओ वहाँ पे तो अपना झोला लेके जाओ। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट भी है भाई, वहाँ पे जो वाटर बारिश होती है तो बारिश बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया जाता, उसके पानी को स्टोर कर लिया जाता है ऐसा दयालबाग में। यदि आप अंदर की तरफ जाओगे सही से ऑब्जर्वेशन करोगे तो भाई आप पढ़ने जा रहे हो और लौट के आओगे तो कोई मतलब ही नहीं, अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो अच्छे से आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फैसिलिटी देख लेते हैं क्या फैसिलिटी है यहाँ पे। देख रहे हो बिल्डिंग यानी कि आपकी जो क्लास लगने वाली है वो है, ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स एंड बुक्स बैंक। तो बोल रहे हैं द लाइब्रेरी कंटेंट अबाउट 1.75 लाख बुक, 1.75 यानी कि 175,000 के आसपास बुक्स हैं, और भी मैगजीन वगैरह हैं। तो ये आप देख सकते हो इतनी बुक यानी कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे यार, आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने वाली। फिर लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप भी है। उसके बाद कंप्यूटर फैसिलिटी है, ये देख रहे हो आप कंप्यूटर फैसिलिटी, आपको कंप्यूटर सीखना है तो आराम से जाके वहाँ बैठ सकते हो, अपना पासवर्ड लो, वाईफाई कनेक्ट करो, आराम से मस्त तरीके से कंप्यूटर पूरे दिन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीमीडिया लेबोरेटरी ये भी है। फिर मल्टीमीडिया एक्सटेंशन, फिर इंटरनेशनल सेमिनार हॉल कैंप है ये भी भाई, ये दो तीन है मैंने देखे, एक दो तो मैं ही जानता हूँ। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, ये भी अपने पास है, ठीक है। और फैसिलिटी फॉर गेम एक्सपोर्ट, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, एनीथिंग कुछ भी खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर सेंटर भी है, वही तो सीधे हॉस्पिटल पढ़ाई ही होती है यार, सरन हॉस्पिटल इसीलिए ही बनाया गया कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे जाओ, और बच्चे ट्रेनिंग भी लेते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट सेंटर्स, भाई नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट सेंटर तो भाई जिनका रहने वहने का नहीं है वो भी व्यवस्था की जाती है, यानी कि यहाँ NSS कैंप वगैरह लगाए जाते हैं तो वहाँ पर रूम वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। हॉस्टल वगैरह भी बहुत अच्छे हॉस्टल हैं, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से हॉस्टल हैं भाई यहाँ पे। फिर नेशनल सर्विस स्कीम NSS का होता है भाई, इसमें क्या सीन होता है, हमको एरिया दे दिया जाता है कि भाई जाओ तुमको भगवान टोकेज वाला एरिया है, वहाँ पे एनालिसिस करो कहाँ गंदगी क्या चीज़ है, और ऑब्जर्वेशन दो, लड़के करते भी हैं। फिर उसके बाद है क्या, स्काउटिंग ग्लाइडिंग, ठीक है, ये भी अपने पास है। को सर्कुलर एक्टिविटी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, ये एक्टिविटी होती है और सबको इसमें कहा तो किसी को अगर डांस का इंटरेस्ट है तो भाई अपना डांस भी कर ले, सिंगिंग का इंटरेस्ट है तो सिंगिंग कर ले, तबला बजाना आता हो ढोलक बजाना आता हो, कुछ भी जिसका भी कुछ भी करने का मन हो, पोएट्री करने का मन हो पोएट्री करे भाई, कुछ भी करे तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और मुझे लगता है करना चाहिए, ठीक है। इससे अपनी जो स्किल है डेवलप होती है, हम बोलते हैं बहुत फ्रेंकली हैं, हमारी जवान नहीं चिपकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फिर स्टूडेंट डायरी ये भी अपने पास ही निकलती है, उसमें कौन टॉप स्टूडेंट उनके नाम आते हैं भाई, उनके नाम पता ठिकाना सब कुछ आते हैं। फिर आइडेंटिटी कार्ड है भाई, फिर वैलिड डॉक्यूमेंट, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से अपना पढ़ लेना। इसके बाद अब हम आते हैं थोड़ा डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में तो यार अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, डिसिप्लिन में क्या है, डिसिप्लिन में तो डिसिप्लिन में रहना भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेमेस्टर, तो ये सेमेस्टर में जो अभी परसेंटेज वगैरह काउंटिंग वगैरह होती है अभी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप लोगों का भाई रिजल्ट आने लगे तो यह परसेंटेज को यहाँ पे कैसे CGPA में कन्वर्ट किया जाएगा ये आप देख लेना, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ दिया है, तो अभी इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो चीज़ है MOU, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है कितने यूनिवर्सिटी से टाई अप है। तो आप यहाँ पे देख लो, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT दिल्ली से है, IIT कानपुर से है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बेंगलोर से है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा से है, फिर देखो USA से है, फिर ये है ये भी USA से, यानी कि कम से कम ये 40 से 45 कॉलेज से अपना जो टाई अप है। यहाँ पे आप देख रहे हो वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी ऑफ द
ऑफ श्रीलंका कोलंबिया। तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमने वहाँ से ले रखे हैं, श्रीलंका से ले रखे हैं अभी। फिर इधर टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। फिर ये आप देख रहे हो, तो इतने कॉलेज से जो हमारे दयालबाग यूनिवर्सिटी है ने टाई अप करके रखा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद। तो समझ रहे हो ना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे लगा आप तक पहुँचानी चाहिए और मैंने पहुँचाई, और आप लोगों को ये सारी बात पता होनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ ये, इसको आपको डिटेल में पढ़ना, तो कैसे आप पढ़ोगे, आपको क्या करना, बैक हो जाना। बैक होने के बाद इस तरह का होम बेस शो होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे एडमिशन प्रोसीजर का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, इस जगह पे एडमिशन प्रोसीजर, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना दोस्तों। और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो अपने वहीं पर आ गए, आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। यार आपको लगा है वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और जानने और सीखने को मिला है, तो यार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।